हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फोर आई क्यू में। कैसे आप लोग? देखिए दोस्तों, इसमें केंद्रीय बजट 2018 और 19 से रिलेटेड हम फटाफट एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने क्विक रिवीजन के लिए आपको एक वीडियो डाल दिया करंट अफेयर की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे केंद्रीय बजट, GST और नीति आयोग के बारे में मैं चर्चा करूँगा, और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, अगर आप लिसनिंग और लर्निंग मोड में आ जाइएगा प्लीज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए 1 फरवरी 2018 को लोकसभा में ये बजट पेश किया गया था 2018-19 का, और भाजपा सरकार का चौथा पूर्ण बजट था। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। छूट में जो पहली थी 2.5 लाख से स्टार्ट थी, वही थी, मैंने एक आप लोगों को पिक भी सेंड कर दिया था। ठीक है, म्यूचुअल फंड में 10% टैक्स लगेगा, और स्वास्थ्य पर लगने वाला 3% से बढ़कर 4% से हो गया था। ठीक है, बस आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट ही करने हैं और कुछ ही नहीं पढ़ना है। टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में लगभग 19,25,000 लोगों का इजाफा हुआ है इस बार। 600 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे उड़ान योजना के तहत, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। गरीबों को मुफ्त में डायलिसिस भी मिलेगी, और 1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, ये कह रहा है केंद्रीय बजट 2018-19। आप लोगों को इस तरह से याद रखना है। भारतमाला प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसमें क्या है कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको आपस में लिंक किया जाएगा, और 9000 किलोमीटर इसकी राजमार्गों की सपना पूरा करने के लिए रखा गया। 100 स्मारक को का आदर्श स्मारक बनाया जाएगा, ये आप लोगों को रखना याद करना है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले। समाज सेवा सपने के समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित किए गए हैं, आप लोगों को याद रखनी है। बीटेक अभ्यर्थियों के लिए कौन सी योजना तहत स्टार्ट की गई है, वो है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना। ठीक है, 22,000 हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। दूसरा है बड़ौदा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है, और देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इस तरह से आप लोगों को बस फैक्ट याद करनी है। 99 शहर स्मार्ट सिटी बन गए थे, लेकिन अब जो है 100 बने, और 100 वाय शिलांग। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स, टीबी रोगियों को 500 रुपये प्रति महीना जो है सरकार देगी, इस केंद्रीय बजट ने यह कहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ ऋण देने का सरकार का सपना है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको लिए खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 150% MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का फैसला सरकार ने किया है, और 2022 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य सरकार का यहाँ पर है, ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है। साथ में अगर बात करें हम तो सरकार ने 2020 तक वे वंदना योजना जो मैंने बताई थी बुजुर्गों के लिए है, यानी 60 साल से ऊपर के लिए 8% की उसमें हुआ है, तो ये सरकार इसके लिए चला रही है बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नीति आयोग के फैक्ट याद कर लेते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था, जिसका पहले नाम था योजना आयोग के स्थान पर यह बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इससे संबोधन में इस घोषणा की थी, गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसको याद रख लेंगे। इसका मुख्यालय दिल्ली में, और भारत सरकार का थिंक टैंक इसको बोला जाता है। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, और नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार अच्छे से काम कर सके। नीति आयोग 13 सूत्री उद्देश्य रखे हैं, ये भी याद रख लें। ठीक है, नीति आयोग की संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य होते हैं। फिर ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी पहले, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष को होता है। अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे, और प्रथम CEO जी सिंधु श्री खुल्लर थे, अभी राजीव कुमार है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये इस तरह से आपको याद रखना है, वो लिस्ट में नीचे आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं इसके, मैं बता चुका हूँ, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO श्री अभिकांत है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और योजनाओं की अंतिम स्वीकृति जो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना। सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक इसके सदस्य यानी इसके में शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट के जो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में हुआ और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। हमारे देश का जीएसटी की फुल फॉर्म काफ़ी बार आ चुकी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के लिए 122वां संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और विधेयक के पक्ष में 336 वोट और विपक्ष के कुल 11 वोट पड़े थे। जीएसटी 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था और राष्ट्रपति ने जो अपनी मंजूरी दी थी वो 8 सितंबर 2016 को। लेकिन आप डेट याद ना करें ये वाली, बस आप 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था। और जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था और इसके जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। प्रथम राज्य असम था और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था जिसने जीएसटी को अपनाया। जीएसटी के पंजीकरण की संख्या कुल 15 डिजिट है यानी 15 नंबर हैं, आप लोगों को इतना याद रखना है। और इसमें जीएसटी के जो 4 तरह की दर हैं, 5, 12, 18 और 28। जीएसटी परिषद के नए अनुच्छेद 269 के ए में रखा गया है, प्लीज़ इसको भी अच्छे से याद कर लें, आ सकता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री होता है, ठीक है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद में शामिल सदस्यों की संख्या कुल 33 है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। 3 भागों में जीएसटी को बांटा गया, सेंट्रल, स्टेट और इंडस्ट्री जीएसटी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप इसको इंटीग्रेटेड को 369 के ए में रखा गया है। और स्टेट जीएसटी जो है राज्य सरकार और सेंट्रल जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। शराब, पेट्रोल और शिक्षा और स्वास्थ्य जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। जीएसटी लागू करने वाला देश जो 161वां है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जीएसटी के? तो वो थे असीम दास गुप्ता, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ सुन लें, ध्यान से इसको कर लें, ये भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक 42 मेगा फूड पार्क भी बनाए जाएंगे, इसको याद रख लें, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल केंद्रीय बजट के थ्रू, ठीक है। तो प्लीज़ इनको अच्छे से आप देख ले। जैसे मैंने कुछ योजना बताई थी, उजाला योजना 1 मई 2015 को हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलईडी वालों का वितरण इसके तहत किया जा रहा है, ठीक है। स्मार्ट सिटी में आप लोगों को पता ही है 2020 तक इसमें 100 सिटी बनाने का लक्ष्य है और बना चुके हैं, अब 161 शहर इसमें बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो प्लीज़ ये आप अच्छे से याद रखें। अमृत योजना क्या है? अमृत योजना में मैं आप लोगों को बता दूं, अमृत योजना में जो अर्बन होते हैं यानी अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तहत बेबुनियाद सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना होता है जो स्मार्ट सिटी होती है उनके अंदर यानी शहरों में। अटल पेंशन योजना में मैंने आप लोगों को बताया ही था, काफ़ी बार मैं बता चुका हूं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर देख लें एक बार। इसमें क्या, 18 से 40 वाले वर्ग के आयु को व्यक्तियों को बैंक में पैसे जमा करे जाएंगे और 1000 से 5000 रुपये तक का पेंशन का प्रावधान इसमें किया जाएगा, ठीक है। जीवन ज्योति योजना, ठीक है, ये भी सेम यही है, 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए और 330 रुपये प्रतिवर्ष इसमें प्रीमियम उनकी कटेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी और अच्छे से पेपर देना सभी लोग। आई होप इस वीडियो में से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।